हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम लोग वर्मा गैस पेपर से कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आज हम लोग इतिहास का चैप्टर 7 ब्रिटिश काल में शिक्षा का चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वैसे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। ठीक है, ये वर्मा गैस पेपर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है सब एग्जामिनेशन के लिए ही बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसको तो आपको याद करके रखना ही चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे वीडियो में। इससे पहले छोटा सा रिक्वेस्ट ये करेंगे, चैनल पर पहली बार आ रहे थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए, ताकि रेगुलर आपको वीडियो जब भी हम अपलोड करें नोटिफिकेशन आप तक जाए, और जब भी आपको समय मिले तो आप इसको निकाल के पढ़ पाएँ। ठीक है, आई होप कि अभी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में। तो चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग, डब्ल्यू इंडर और विलियम जेम्स। इसका सही आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन है, एसपीजी मिशन द्वारा ब्लाइंड स्कूल कब खोला गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1895 ईस्वी में खोला गया था। ठीक है, 1895 ईस्वी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिवेशिक शिक्षा में ने भारतीयों के मस्तिष्क में ही हीनता का बोध पैदा कर दिया, यह कथन है? यह कथन है हम लोग का महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने यह कथन दिया था। अगला है, कौन भारत को असभ्य देश मानता था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थॉम्स वेमिंगटन मैकाइले। ठीक है, यह ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सही उत्तर होगा डब्लिन मिशन के द्वारा। ठीक है, डब्लिन मिशन के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जॉन्स ने। ठीक है, अगला है, रांची जिला स्कूल की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जे आर ओसले ने रांची स्कूल की स्थापना की थी। ठीक है, आगे, रांची जिला स्कूल की स्थापना कब की गई थी? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रांची जिला स्कूल का स्थापना कब किया गया था। इसका आंसर है 1839 ईस्वी में। निम्न में कौन संस्कृत व फारसी रचना का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे? इसका सही आंसर होगा हेनरी थॉम्स कॉलब्रुक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1791 ईस्वी में ब्रिटिश जोनाथन डंकन द्वारा हिंदू कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली और बनारस। इसका सही आंसर होगा बनारस में। ठीक है, दयानंद एंग्लो स्कूल की स्थापना किस संस्थान द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है आर्य समाज के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड स्कूल में पढ़ाई किससे होती थी? तो इसका सही आंसर होगा ब्रेल लिपि में। ठीक है, जो अंधे लोग पढ़ते हैं ना, उस लिपि में पढ़ाई होता था। लॉर्ड मैकाइले कैसी शिक्षा के पक्षधार थे? तो आंसर होगा संस्कृत। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में। ठीक है, 1901 ईस्वी इसका सही आंसर हो जाएगा। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? तो सही आंसर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की है। भारतीय शिक्षा का मग्ना कार्टा कहा जाता है? किनको कहा जाता है? चार्ल्स वुड के नीति पत्र को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इस चैप्टर में बस इतना ही क्वेश्चन है। आई होप कि अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह का वीडियो हम लोग कंटिन्यू ला रहे हैं। इससे पहले हम लोग साइंस का पूरा कंप्लीट किए हैं, उसके बाद हम लोग SST में लगे हुए हैं। ठीक है, इतिहास जैसे कंप्लीट होगा, सामाजिक विज्ञान, इसके बाद हम लोग इंग्लिश में आएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर इंग्लिश में भी बताइए, इंग्लिश में भी बताएंगे, आप लोग पेशेंस रखिए। ठीक है, इसके बाद फिर मैथ्स भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। मैथ्स को इसलिए लास्ट में रखें क्योंकि मैथ्स में हम लोग कहते रहे तो तक एग्जामिनेशन में हम लोग पहुँच जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग का साइंस हो ही गया है। ठीक है, मतलब सब हो जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। बस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक का बटन दीजिएगा, और कमेंट आप भर भर कर कीजिए। जितना कमेंट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आगे हम आने वाले समय में वीडियोज भी बनाएंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।